नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस अपडेट में। मैं बता दूं दोस्तों कि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत के तेजस और दोस्तों पाकिस्तान के JF-17 के बीच में कंपेयर कराने वाला हूं। और दोस्तों दोनों के कंपेयर से जानेंगे कि किस देश का एयरक्राफ्ट सबसे ज्यादा घातकवर साबित हुआ है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें दोस्तों दोनों देशों के एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चर की, तो दोस्तों जहां पर तेजस को HL कंपनी द्वारा बनाया गया है, वहीं मैं बात JF-70 की, तो दोस्तों इसे चेंदू एयरफोर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। बात करें लंबाई की, तो दोस्तों जहां पर तेजस एयरक्राफ्ट की लंबाई 13.2 मीटर तक बताई जाती है, वहीं मैं बात करूं JF-70 की लंबाई के विषय में, तो दोस्तों इसकी लंबाई 14.2 मीटर तक बताई गई। बात करें दोस्तों दोनों एयरक्राफ्टों की हाइट के विषय में, तो दोस्तों जहां पर तेजस एयरक्राफ्ट की हाइट 4.4 मीटर तक बताई गई, वहीं मैं बात करूं JF-70 की हाइट के विषय में, तो दोस्तों इसकी हाइट 4.7 मीटर तक बताई गई। बात करें एम्पटी वेट की, तो दोस्तों जहां पर तेजस का एम्पटी वेट 6,560 किलोग्राम तक बताया गया है, वहीं मैं बात करूं JF-70 की एम्पटी वेट के विषय में, तो दोस्तों इसका एम्पटी वेट 6,586 किलोग्राम तक बताया गया है। बात करें टेक ऑफ वेट की, तो दोस्तों जहां पर तेजस का टेक ऑफ वेट 13,500 किलोग्राम तक बताया गया है, वहीं मैं बात करूं JF-70 की टेक ऑफ वेट के विषय में, तो दोस्तों इसका टेक ऑफ वेट 12,384 किलोग्राम तक बताया गया। बात करें दोस्तों दोनों देशों के एयरक्राफ्टों के पेलोड ले जाने की क्षमता के विषय में, तो दोस्तों जहां पर तेजस अपने साथ 5,300 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी करने में सक्षम है, वहीं मैं बात करूं JF-70 की पेलोड क्षमता के विषय में, तो दोस्तों यह अपने साथ 1,500 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी करने में सक्षम बताया गया है। बात करें स्पीड की, तो दोस्तों जहां पर तेजस की स्पीड 2,200 किलोमीटर प्रति आवर बताई गई है, वहीं मैं बात करूं JF-70 की स्पीड के विषय में, तो दोस्तों इसकी स्पीड 1,910 किलोमीटर प्रति आवर बताई गई। बात करें कंबैक्ट रेंज की, तो दोस्तों जहां पर तेजस की कंबैक्ट रेंज 550 किलोमीटर तक बताई गई है, वहीं मैं बात करूं JF-70 की कंबैक्ट रेंज के विषय में, तो दोस्तों इसकी कंबैक्ट रेंज 1,350 किलोमीटर तक बताई गई। बात करें टोटल रेंज की, तो दोस्तों जहां पर तेजस की टोटल रेंज 1,850 किलोमीटर तक बताई जाती है, वहीं मैं बात करूं JF-70 की टोटल रेंज के विषय में, तो दोस्तों इसकी टोटल रेंज 2,500 किलोमीटर तक बताई गई। बात करें सर्विस सेलिंग की, तो दोस्तों जहां पर तेजस एयरक्राफ्ट की सर्विस सेलिंग 16,500 मीटर तक बताई जाती है, वहीं मैं बात करूं JF-70 की सर्विस सेलिंग के विषय में, तो दोस्तों इसकी सर्विस सेलिंग 16,920 मीटर तक बताई गई। बात करें रेट ऑफ क्लाइंब की, तो दोस्तों जहां पर तेजस 300 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर की ओर चढ़ता है, वहीं मैं बात करूं JF-70 की, तो दोस्तों इसकी भी रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर पर सेकंड बताई जाती है। बात करें पावर देने वाले इंजन के विषय में, तो दोस्तों जहां पर तेजस में जनरल इलेक्ट्रिक F404 F2 जिन ऑटो रनिंग टर्बोफैन इंजन का प्रयोग किया गया है, वहीं मैं बात करूं JF-70 की, तो दोस्तों इसमें सिंगल इंजन RD-93 ऑटो रनिंग टर्बोफैन इंजन का प्रयोग किया गया है। सो गाइस, ये तो ही दोनों देशों के एयरक्राफ्टों की कंपेयर, लेकिन दोस्तों इस पर आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही जल्दी जल्दी अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।